प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लॉक का वो पार्ट जिसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, या फिर एक दूसरे के विपरीत होती हैं उस टाइप के क्वेश्चन, 90 अंश का कोण कब बनाती हैं एक दूसरे के साथ, तब या 180 अंश का कोण कब बनाती हैं इस केस में। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं, मैं लिख दिया हूं, सबसे पहली चीज आपस में मिलती हैं या फिर 0 अंश का कोण बनाती हैं, एक ही चीज हुई। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है कहीं कि आपस में घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलती हैं, या फिर कह दिया जाए कि 0 अंश का कोण कब बनाती हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। दूसरा होता है हमारा समकोण या 90 अंश। अगर 90 अंश पूछे तो भी और समकोण पूछे तो भी, एक ही चीज होती है, आपको ध्यान में रखना है। तीसरा होता है विपरीत, घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं। जब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी तो 180 अंश का कोण ही बनेगा। आप जानते हैं घड़ी की सुइयां जब भी विपरीत होंगी, ये 12 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, कब विपरीत होंगी घड़ी की सुइयां, कब विपरीत होंगी, ये इस प्रकार से विपरीत होंगी, तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। मीन्स सीधी सीधी बात है, समकोण का मतलब क्या हुआ कि घड़ी की सुइयां जब समकोण पे होंगी, समकोण पे, तो 90 अंश का कोण बनेगा, और आपस में मिलेंगी अगर दोनों सुइयां एक दूसरे पे मिलती हैं, एक दूसरे पे मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोई कोण ही नहीं बनेगा, मीन्स 0 अंश का कोण बनेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और मात्र एक चीज़ बताऊँगा, एक फार्मूला बताऊँगा, उसी पर ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, सिर्फ एक फार्मूला। 4 क्वेश्चन बताऊँगा, 4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, टोटल क्वेश्चन चाहे कैसे भी किसी तरीके से आए आप सॉल्व करके चले आएंगे। तो आइए चलते हैं और मैं फटाफट आपको बताता हूं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 7 और 8 बजे के बीच जो सुइयां होती हैं वो कब 0 अंश का कोण बनाती हैं, तो भी आपको यही क्वेश्चन करना है। अगर आपस में मिलती हैं या 0 अंश का कोण बनाती हैं आए, तो भी आपको क्या करना है, सेम चीज़ करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक घड़ी बना लेनी है। नॉर्मली आपको क्या करना है, एक घड़ी बना लेनी है। तो ये हमने एक घड़ी बना ली, अब क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे 12, 6, 3, 9, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। इतना काम आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है पहला वाला वही बजा देंगे। जैसे 7 और 8 बजे के बीच की बात कर रहा है, 7 बजा देंगे। 7 कब बजेगा, जब 7 कब बजेगा, जब मिनट की सुई कब कहाँ रहे, 12 पे, मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई कहाँ रहे, 7 पे, तभी 7 बजेगा। आपने 7 बजा लिया, कुछ नहीं करना है, 7 बजा लेना है। मिनट की सुई आपकी कहाँ रहेगी, 12 पे, और घंटे की सुई 7 पे, आपका 7 बज गया। अब क्या करना है, इसके बाद दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं, दोनों सुइयां आप बताइए आपस में कब मिलेंगी। ये मिनट वाली सुई, हम लोग जानते हैं कि हमेशा मिनट वाली सुई ही आके इस पे टिकेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनट वाली सुई चलेगी, मिनट वाली सुई क्या करेगी, ये वाली सुई आके इस पे मिलेगी, इस पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जब इस पे मिनट वाली सुई आके मिलेगी तो कितना चलेगी मिनट वाली सुई, यहाँ से कितना चलेगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट चलेगी। कितना चलेगी, 35 मिनट चलेगी। 35 हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे, 35 तुरंत क्या कर देंगे, लिख देंगे। और कुछ नहीं करना है, इसमें 12/11 से गुणा कर देना है, 12/11 से गुणा कर देना है। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ये यहाँ से मिनट की जो सुई है यहाँ चलेगी, तो ये जो
घंटे वाली सुई होगी, ये भी कुछ इस साइड में जाएगी, ये भी कुछ इस साइड में जाएगी। आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी, इसी के लिए मैंने ये 12/11 लिख दिया है कि ये कुछ आगे तक क्या हो रही है, चल रही है। लेकिन आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, बस क्या करना है, मिनट वाली सुई कितना आगे चलेगी तो दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, आपस में मिलेंगी या जीरो अंश का कोण बनाएंगी। कब? जब ये यहाँ पे आ जाएगी मिनट वाली सुई, तो कितने अंश का कोण बनाएगी इससे मतलब नहीं है, कितना चली है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट चली है। 35 लिख लिया, 12/11 से गुणा कर दिया, खटाक से आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 और 35 का गुणा कर दीजिए, 12, 12, 2, 25, 10 और 2, 3, 6, 1, 7, उसके बाद 1, 5, 5 और 1, 3, 3, ये कितना हो जाएगा? 0, 7, 5, 7, 5, 12 और 3, 1, 4, 420 आ गया। कितना आ गया आपका? 420। और इस 420 को इस 11 से भाग दे दीजिए, 12 का गुणा कर लिया, 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा? 11 तिया 33, इसमें से एक हासिल लेंगे 12 जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 90 और कितना हो जाएगा ये आपका 11, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 11 और 88, 88, 2 बचा, कुछ नहीं करना है, 2 बचा, ये इतना आपका कितना आ गया? 38 आ गया, लिख लेंगे 38, 38 को क्या कर देंगे? लिख लेंगे जल्दी से, 38 लिखेंगे और उसके बाद ये जो शेष होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं और ये जो भाजक होता है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो पहला वाला समय है उसको लिख लेंगे। पहला वाला समय कितना था जो बजाए थे हम लोग? 7 बजा था। ये बस यहीं आपका क्या हो गया? खटाक से आंसर हो गया। इतने बजे क्या होंगी? आपस में दोनों सुइयाँ मिलेंगी या फिर जीरो अंश का कोण इतने टाइम पर बनेगा। देखिए कहीं दिया है 7:38 सही, 2:11 या 11 बजे दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है, खटाक से मारेंगे, फटाक से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको बना लेंगे, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाक से मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे, घड़ी को वैसे ही रखेंगे, क्योंकि घड़ी बनाने में टाइम लगता है इसलिए घड़ी को वैसे ही रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं नीचे अपने बुक में पढ़ रहा हूँ, 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी? 3 और 4 बजे के बीच 3 बजा लेंगे, 3 तुरंत क्या कर देंगे? बजा लेंगे, तुरंत 3 बजा लेंगे। 3 बजे 12 पे आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 पे होगी। 3 और 4 बजे कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? आप बताइए, आप बताइए। ये मिनट की सुई है, हमेशा मैंने बताया है कि कौन चलेगी? मिनट की ही सुई चलेगी हमेशा, घंटे की सुई बाद में, मिनट की सुई चलेगी। अब मिनट की सुई कब कहाँ जाएगी कि दोनों के बीच विपरीत एंगल बनेगा, ये विपरीत होंगी दोनों एक दूसरे की, आप बताइए। जब ये 3 पे है, जब ये कहाँ है ध्यान दीजिएगा, जब ये 3 पे है, जब ये मिनट की सुई यहाँ पे आएगी 9 पे, तभी तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगी, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगी ना, तो ये एक दूसरे के विपरीत तभी होंगी, यानी कि दोनों के बीच 180 अंश का कोण तभी बनेगा। क्या होगा? तभी बनेगा जब ये क्या हो जाएगी, जब ये आपकी मिनट की सुई कहाँ पहुँच जाएगी, जब ये आपकी मिनट की सुई यहाँ पहुँच जाएगी। कितना चली आपकी मिनट की सुई, कितना चली गिनिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट चल गई। कितना चल गई? 45। खटाक से यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 45 लिख लेंगे और 12/11 से गुणा कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं करना है, जितना आएगा उसमें 12/11 से हर बार गुणा कर देना है, वहीं आपका आ जाएगा। 12 से गुणा कीजिए 45 में, 45, 12 गुणा कर दीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, 1, 9, यहाँ पे क्या हो गया, 1 × 5 = 5 और 1 × 4, इसको जोड़ दीजिए 0, 9, 5 और 9, 9, 5, 14 और ये हो गया 5, 540 आ गया, 540 दोनों का गुणा करके आ गया, 540 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 कितनी बार जाएगा, 11 × 44, 11 × 44, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 100 हो गया, 100 11 से भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 11 × 99, 11 × 99, 1 शेष आ गया। जो शेष आएगा मैंने कहा था 49 को लिख लेना है आपको, क्या करना है, 49 को लिख लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 49 को लिख लेना है और 1 सही कितना हो जाएगा, 49 सही 1 को यहाँ लिख लेंगे और 11 से भाग दे देंगे ये।
और जो समय है पहला वाला जो तीन बजाए थे हम, पहले क्या बजाए थे तीन, उसी को लिख लेंगे। यहीं आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से देखिए, ऑप्शन में दिया है कहीं, ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, 3:49 से ही 1/11 पे। यहीं आपका खटाक से आंसर मारेंगे, फटाक से एंटर है, मात्र 30 सेकंड, 30 सेकंड से भी कम लगेगा। गुणा भाग में आपने जितना समय बचाया, जितने समय में लगाया, उतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही कठिन लगता है देखने में, लेकिन बड़ी ही आसानी से क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री मैं पढ़ देता हूँ, दिया है 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ समकोण बनाती हैं। 1 और 2 बजे के बीच तुरंत क्या करें, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक बजा लेना है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे 90° का कोण होता है, इसका मतलब क्या होता है, 12 से 1 के बीच 30° का कोण, फिर 1 से 2 के बीच 30° का कोण, और 2 से 3 के बीच भी 30° का कोण होता है। यानी कि प्रत्येक जो हमारे दो होते हैं अंक, उनके बीच जो भी घड़ी में 2 अंक होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है, वो कितना होता है, 30° होता है। बस यही आपको याद रखना है कि इनके बीच का जो कोण होता है कितना होता है, 30° होता है, 30°। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 30° होगा। वैसे इनके बीच का भी कोण कितना होगा, 30° होगा। बस आपको यही क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आप बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि बात किया जाए यहाँ पे, यदि मैं आपसे ये पूछूँ कि ये घड़ी, ये जो मिनट की सुई है, ये जो आपकी मिनट की सुई है कहाँ जाएगी, घूम के कहाँ जाएगी, तो 90° होगा, कहाँ जाएगी। ये घंटे की सुई एक पे है और ये कहाँ जाएगी, मिनट की सुई की क्या हो जाएगा, 90° बन जाएगा। तो ये जब 4 पे जाएगी तो आप देखिए ये 1 पे है घंटे की सुई, तो यहाँ से जब ये 4 पे जाएगी ये वाली, तब यहाँ से जब 4 पे जाएगी तो इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90° का। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा, 1 पे है, देखिए 1 से 2 के बीच 30, 2 से 3 के बीच 30, और 3 से 4 के बीच 30, 30, 60 और 30, 90° का कोण बन गया। यानी कि क्या हुआ, आपकी जो मिनट वाली सुई है कितना चली 4 तक आने में, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5, 10, 15, 20 मिनट चली, कितना चली, 20 मिनट चली। तो यहाँ पे 20 और इनटू क्या कर देंगे, 12/11 कर देंगे, 20 का 12 में गुणा कर देंगे, 12 × 2 = 24 होता है, 240, 11 से भाग दे देंगे, 11 × 2 = 22, 11 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22 हो जाएगा, 22। और यहाँ पे 2 बचा 0, 11 कमे 11 आ गया, 11 और ये 9, कितना बचा, 9 बचा आपका, 20 में से 11 गया 9 बचा, यानी कि 21 सही 9/11। और समय पहले कितना हो रहा था, समय आपका पहले कितना हो रहा था, 1 बज रहा था, एक तो समय ये हो गया, एक समय आपका क्या हो गया, ये हो गया, इतने बजे समकोण बनेगा, एक समय ये हो गया। दूसरा भी आपको क्या निकालना है, यहाँ से 1 पे है इस साइड में, जब आप देखिए ध्यान दीजिए, जब मिनट की सुई यहाँ से 5, 10, 15 यहाँ आएगी, एक बार मिनट की सुई आपकी कहाँ आएगी, जब यहाँ आएगी एक बार मिनट की सुई चल के, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए एक बार जब ये मिनट की सुई यहाँ चल के आएगी तो भी बनेगा कितने का, इन दोनों के बीच तो भी 90° का कोण बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कितना चल देगी आपकी जो ये मिनट की सुई है, कितना चल देगी, तो गिन लीजिए 5, 10, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 मिनट चल लेगी, कितना चल लेगी, 50 मिनट। एक तो आपको मिल गया, 1 मिल गया 1:01
बज के 21:09, इसको सेकंड में कुछ सेकंड मान सकते हैं। इस पे आपका ऑप्शन में है दिया, देखिए 1:21 सी है, लेकिन एक चीज़ और ज्ञात करना है इसमें, एक चीज़ और ज्ञात करना है तो उसको भी ज्ञात कर लेंगे। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका आया कितना, पूरा यहाँ से यहाँ तक चली तो 50 आया, 50 में गुणा कर देंगे 12/11 से, कितना आएगा 12×5=60, 600 भाग दे देंगे 11 से, 11×5=55, 11×5=55, 5 बचा, 11×4=44, 11×4=44 और 44×6=50, क्या हो गया आपका 54 सही, 6/11 और कितना बच के 1 बज के, यानी कि दोनों समय हो गया एक 1:21 सही 9:11 और एक 1:54 सही 6:11। ऑप्शन नंबर सी दिया है, खटाक से सही मारेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समकोण दो बार बनेगा, समकोण कभी भी आप देख लीजिएगा दो बार बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच, एक आगे जाएगी घंटे से आगे जाएगी तब, और एक घंटे से पहले, घंटे से बाएं भी और घंटे से दाएं भी, दो वक्त में क्या होगा 90 अंश का कोण बनेगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अगले एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, उसके बाद से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन और 5 और 6 बजे के बीच, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 5, और मैं इसको इरेज कर देता हूं, 5 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, 5 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे 5 मिनट की दूरी, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 5 बजाइए, पहले क्या कर दीजिए 5 बजा दीजिए, ये हमने 5 बजा दीजिए, 5 बजा दिया हमने। अब क्या किया, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। आप बताइए 5 और 6 बजे के बीच एक बार यहाँ भी 5 मिनट की दूरी हो सकती है जब मिनट की सुई 4 पे जाए, और एक बार यहाँ भी हो सकती है जब मिनट की सुई 6 पे जाए, इन दोनों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी कि नहीं। जब मिनट की सुई एक बार यहाँ आएगी तब होगी, तो निकाल लेंगे इसको, निकाल लेंगे पहले कब, जब मिनट की सुई 4 पे होगी तब निकाल लेंगे, जब मिनट की सुई 4 पे जाएगी तो 1, 2, 3, 4। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के बीच 5 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी में कितने अंश का कोण बनता है 30 अंश का। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हो गए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 5 और 6 बजे के बीच, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी होगी, या फिर ये भी हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30 अंश का कोण होगा, है ना, ये भी पूछ सकता है कि 5 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण होगा या 5 मिनट की दूरी होगी। ऐसे ही पूछ सकता है 10 मिनट की दूरी होगी, या फिर पूछ सकता है कि 60 अंश का कोण होगा, कब पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, आप खटाक से बना लेंगे। यानी कि 30 अंश का कोण पूछ रहा है या फिर 5 मिनट की दूरी पूछ रहा है, दोनों में से कोई भी पूछ रहा है, ऐसे ही आपको क्या करना है, हल करना है। कितनी चली, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5, 10, 15, 20 मिनट चली, 20 मिनट चली, 20 मिनट चली, तो खटाक से क्या कर देंगे 20 में 12/11 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 12×2=24, 240, भाग दे देंगे 11 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 11×2=22, 22×2=24, 11×11=20, यानी कि कितना आ गया आपका 21 सही 9/11, और कितना बजा है आपका तो 5 बजा है, यानी कि 5:21 सही 9/11 पे। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरी वाली कंडीशन में जब मिनट की सुई यहाँ आएगी तो भी दोनों के बीच कितना होगा 5 मिनट की दूरी होगी। आपको समझ में आ रहा होगा 5 मिनट की दूरी दोनों के बीच कब होगी, जब मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी 6 पे आ जाएगी, तो भी जब 6 पे आ जाएगी मिनट की सुई तो कितना आपका मिनट होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट होगा, 30 मिनट होगा, 30 में खटाक से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, कर दीजिए कितना आ गया 12×3=36, 12 से 30 में गुणा करेंगे तो 12×3=36, 360 हो जाएगा, सीधे गुणा कर देंगे 12×3=36 और एक जीरो आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 11 से भाग दे दीजिए 11×3=33, 11×3=33, कितना बचा 3 बचा आपका,
और जीरो दो बार जाएगा, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बचा, यानी कि 32 सही 8 बट्टे, सॉरी 32 सही 8 बट्टे कितना हो गया 11 हो गया, और कितना बज के, कितना बज के, तो 5 बज के, क्योंकि पहले हमारा कितना बजा था 5 बजा था। दोनों ऑप्शन सही है, सॉरी दोनों सही होगा, दोनों सही होगा, एक तो दिया है ऑप्शन में आपके 5 बज के 21 सही 9 बट्टे 11, और दूसरा दिया है आपका 5 बज के 32 सही 8 बट्टे 11, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। खटाक से मारेंगे, फटाक से आंसर आएगा, बिल्कुल देखने में कठिन लगता है, मात्र 30 सेकंड आपको लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस है, मात्र 30 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व करके चले आएंगे। तो चलिए, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को नए हैं तो चैनल पे, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों आपको हर रोज 6:30 बजे सुबह में रीजनिंग की एक वीडियो प्राप्त होगी, दो तीन दिन जो बीच में गैपिंग हुई तबीयत खराब होने की वजह से हुई, लेकिन आपको प्रॉपरली हर रोज एक वीडियो मिलेगी सुबह 6:30 बजे, देखना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू।